ये सुप्रीम कोर्ट है, माफिया का कोर्ट, माफिया के लिए। और माफिया द्वारा आज तीस्ता सीतलवाड़ की पूजा की है, अब राहुल गांधी को बरी करेंगे। एक महीने से फिर ये सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना और दीपांकर दत्ता काहे की नौटंकी कर रहे थे तीस्ता सीतलवाड़ के लिए गुजरात सरकार को नोटिस देने की और उछल रहे थे कि एक दिन गिरफ्तार नहीं होगी तो क्या आसमान गिर जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत खारिज करने के आदेश को खारिज करके साबित कर दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट अब केवल माफिया का कोर्ट है, माफिया के लिए है और माफिया द्वारा चलाया जा रहा है। आज आप बताइए कि यदि तीस्ता गिरफ्तार हो जाएगी बाकी आरोपियों की तरह तो क्या आसमान गिर जाएगा जिसे आप गिरने से थाम कर बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए न्यायपालिका को ऐसे बेहुदा आदेश देते हुए। फिर सितंबर 2022 में अंतरिम जमानत देने की क्या जरूरत थी, उसी दिन नियमित जमानत दे देते जो आज दी है। नियमित जमानत ही आज क्यों दी जजों ने, उसके खिलाफ दायर किए गए सभी केस भी खारिज कर देते जो आपने आने वाले समय में करने हैं, क्योंकि आपका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिसके खिलाफ तीस्ता पर षड्यंत्र करने के आरोप लगे हैं और आप उसे बचा रहे हो। कोई भी कह सकता है मोटा पैसा खाया गया है तीस्ता को छोड़ने के लिए, क्योंकि बस अगला कदम यही होगा कि उसे बरी कर दिया जाए और मोदी को फंसा दिया जाए। आप ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट सभी के काम खुद करना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट में बैठकर, तो फिर सभी कोर्ट बंद क्यों नहीं कर देते। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, हमें अपनी राय जरूर दे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। अब चलिए खबर को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के अध्यादेश को भी संविधान पीठ को देना चाहता है और इस तरह सरकार की और संसद की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहता है। अरे संसद में पास तो होने दो, लेकिन नहीं, चंद्रचूड़ के दिमाग में भूत चढ़ा हुआ है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके लाडले केजरीवाल को उस सत्ता से बेदखल न किया जाए जो चंद्रचूड़ ने दी उसे। अब कोई भी उम्मीद कर सकता है कि माफिया सुप्रीम कोर्ट 370 भी बहाल कर देगा और उसके पहले परसों चंद्रचूड़ की बेंच गांधी खानदान के नमक का कर्ज चुकाते हुए राहुल गांधी को भी बरी कर देंगे या सजा इतनी कम कर देंगे कि जिससे उसकी वाह वाह हो जाए। आखिर 2024 जिताने के लिए कांग्रेस का साथ भी तो देना है। 370 बहाल करके तो मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का मौका मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को वक्त से डरना चाहिए, वो अपने को धरती के खुदा से भी बड़ा समझने लगे हैं। मोदी को हल्के में मत लेना, वो केवल राजनेता नहीं है, वह एक दैविक शक्ति है। याद रखना, जयललिता ने दिवाली की रात को 11 नवंबर 2004 को हत्या के झूठे केस में गिरफ्तार किया था। फिर जयललिता की क्या हालत हुई थी उसे मत भूलना। लालू यादव ने भगवान राम का कैसा तिरस्कार किया था और आज उसकी क्या हालत है। सोनिया गांधी ने भगवान राम को काल्पनिक कहकर अपमान किया, आज सत्ता से दूर तड़प रही है। कल सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी कुदरत की मार पड़ सकती है, क्योंकि अहंकार का मर्दन होकर रहता है। देश के ज्योतिषाचार्य सब कुछ देख लेते हैं, इनके बारे में सब चुप रहते हैं। कितना डर रहता है मीलॉर्ड का, इसे जुडिशियल टेररिज्म कहते हैं। बेलगाम चंद्रचूड़ का सुप्रीम कोर्ट विपक्षी ठगबंधन का 27वां सदस्य है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बर्दाश्त न करें। यही सत्य है कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मणिपुर के विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी हुई धमकी ने साबित कर दिया है कि न्यायपालिका अब जुडिशियल टेररिज्म के मार्ग पर चला पड़ी है। इसके पहले कल सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने तीस्ता
सीतलवाड़ को जमानत देते हुए बेंच ने गुजरात पुलिस को कहा कि यदि उसे लगे कि तीस्ता के केस में गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करे। इसका मतलब साफ है, तीस्ता को हम यहां बचाते रहेंगे। कोर्ट का मानना है गुजरात के कोर्ट किसी काम के नहीं है। दिल्ली सरकार के लिए चुनी हुई सरकार का झुनझुना बजाने वाला चंद्रचूर आज नरेंद्र मोदी को चुना हुआ प्रधानमंत्री होते हुए भी धमकी दे रहा है। चंद्रचूर ने मणिपुर वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार को धमकी दी है कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। चंद्रचूर की इस धमकी पर लेफ्ट लिबरल गैंग ट्विटर मोदी का त्यागपत्र मांगने के लिए टूट पड़ा और इसका मतलब साफ निकलता है कि चंद्रचूर विपक्ष के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। बंगाल जल रहा है। उदयपुर में कन्हैया की गर्दन उड़ा दी गई। अमरावती में उमेश कोल्हे का सर तन से जुदा कर दिया गया। राजस्थान में हनुमान जयंती और रामनवमी शोभा यात्राओं पर जमकर हिंसा की गई। पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई और न जाने ऐसे किसने ही किस्से हैं जिन पर कभी स्वतः संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आज मणिपुर के लिए तड़प उठे हैं। मणिपुर में कांग्रेस का खेला हुआ खेल है और ऐसा वहां के ही एक लोकल पार्टी ने कहा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को भगा दिया गया मणिपुर से। मणिपुर में अमेरिका ऑफर करता है शांति स्थापना के लिए और उसके बाद ईयू भी अपनी दुकान खोलना चाहता था। दोनों को जब मोदी सरकार ने मना कर दिया तो चंद्रचूर कूदे हैं कि मैं करूंगा मोदी का खेल। आज ही केंद्र सरकार के दिल्ली के लिए लाए गए अध्यादेश को चंद्रचूर ने 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया। यह माफियागिरी है जो कानून पास हुए बिना ही उसे रोकना चाहते हो। चंद्रचूर को पता है राहुल गांधी को जिस बयान के लिए 2 साल की सजा हुई है वह बयान नरेंद्र मोदी को निशाने पर रख कर दिया गया था, मगर फिर भी राहुल गांधी पर मेहरबानी की जाएगी क्योंकि उस केस में दोनों फैसले गुजरात की अदालतों के आए हैं और गुजरात की अदालतों को सुप्रीम कोर्ट नाकारा समझता है। आज की न्यायपालिका जुडिशियल टेररिज्म के मार्ग पर चल रही है। विपक्ष के 26 दलों के नापाक ठगबंधन में 26 नहीं 27 सदस्य हैं और 27 नंबर पर सुप्रीम कोर्ट है। बेहतर होगा ये ठगबंधन अपना प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार चंद्रचूड़ को ही बना दे। सरकार के घर में दखल देने की बजाय न्यायपालिका अपने घर को संभाल ले, जो 3 जजों के ट्रांसफर पर वकील ही विरोध में खड़े हो गए। एक बात याद रखनी चाहिए मिलोर्ड को कि रति का अंत जरूर होता है, और यदि आप सत्ता के नशे में ऐसे व्यक्ति को सता रहे हैं जो कभी प्रतिकार नहीं करता तो समझ लीजिए उसकी आत्मा का श्राप तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि वे प्रधानमंत्री का अपमान करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों पर अपने तरीके के नकेल कसने का काम करें। आपसे अनुरोध है देश हित में इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।